राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्ण। तो कथा शुरू करते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, कार्तिक शुक्ल दूज में यम द्वितीया कहते हैं। इस दिन यमुना जी में स्नान करके यमराज का पूजन करते हैं। इस द्वितीया को भाई दूज भी कहते हैं। इस दिन भाई अपने घर भोजन ना करे, अपनी बहन न हो तो किसी गुरु कन्या को ही अपनी बहन मान ले और उसके घर उस दिन अपने भाई को तिलक करके भोजन करावे। भाई भी अपनी श्रद्धा अनुसार तथा सामर्थ अनुसार दक्षिणा दे। इस कथा को सुनकर राजा पृथु ने नारद जी से पूछा कि हे नारद जी, सब क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र कौन सा है? नारद जी कहने लगे, राजन, इन सब क्षेत्रों में उत्तम गंगा या यमुना का संगम है, जिसमें स्नान आदि करने की ब्रह्मा आदि देवता भी इच्छा करते हैं। गंगा के स्मरण मात्र से मनुष्य को अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य के पाप तो नष्ट होते ही हैं, कुल अभिलाषा से मनुष्य अनेक जन्मों के पापों से भी मुक्त हो जाता है। यह स्मरण संसार तथा संसार रूपी बंधन में बंधा हुआ है, मगर गंगा इस महारूपी बंधन को काटने में तारती है। गोदावरी, कृष्णा, अमरवती और तापणी और सरयू आदि सब तीर्थ में गंगा में स्थित है। काशी क्षेत्र में भी सब क्षेत्र उत्तम है, जहाँ देवता वास करते हैं। वह मनुष्य न्यू ही जो अपने कानों से काशी, अपने कर्मों से काशी क्षेत्रों की कथा सुनता है, जो काशी जी का सेवन करते हैं, वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। यदि प्रातः काल के समय और कोई काशी क्षेत्र का स्मरण करता है तो वह भी मोक्ष को प्राप्त होता है। तो ये थी आज की छोटी सी कथा। कल फिर गंगा जी के बारे में अगली कथा है। देखिए, आज की कथा समाप्त। कथा आपको कैसी लगी जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। तो मिलते हैं कल फिर एक और कथा के साथ। तब तक के लिए मेरी सभी को राम राम, हरे कृष्णा। कार्तिक के महात्म की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी देवी देवताओं की जय। हर हर महादेव।